चल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। काहे का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बताओ ना। यस, आज सॉल्व एग्जाम्पल की डिफिकल्टी भी लेंगे, आप फिक्र मत करिएगा। मुझे बस एक 5-15 मिनट का समय दीजिए, इसमें मैं नया कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। जितना हमारा सारे फार्मूले देखे थे उसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है। ये चैप्टर में बच्चों को थोड़ी दिक्कत जाते रहती, तो जितने बार रिवीजन होगी उतने बार अच्छा रहेगा। सही है गलत है बोलो ना। हाँ तो बताओ। हाँ आज मैं पूछने भी वाला था आपको, पूछूंगा, मैं समय आने पे पूछूंगा। अभी मैं खुद ही रिवाइज कर देता हूं। सम ड्यू यानी क्या होते रहता बोलो ना। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? सही है। ट्रू डिस्काउंट यानी है क्या? बेसिकली प्रेजेंट वर्थ के ऊपर का इंटरेस्ट। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ ठीक है। ट्रू डिस्काउंट यानी प्रेजेंट वर्थ के ऊपर का इंटरेस्ट, यानी कि ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है ना बोलो ना। सिद्धांत गुप्ता, वेदांत भुयार, प्रणय काले। हाँ अच्छा, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या था? प्रेजेंट वर्थ में अगर ट्रू डिस्काउंट ऐड कर दे तो सम ड्यू निकल जाता। सही है गलत है? सही है। और ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। इसी के ऊपर से हमने सम ड्यू का नया फार्मूला बना लिया। क्या फार्मूला बनाया हमने? प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100। अरे बोलो ना। आयु सोनार, कोमल छाजे, दिव्यानी ताई, हर्षा राठी, हर्ष राठी। हाँ लाठिया जी, लाठिया जी क्लास में है कि नहीं है? हर्ष लाठिया। हाँ चलो बहुत बढ़िया। दिया माखीजा, पूर्वा कोठारी, खुशी लड्डा, सारे लोग ध्यान दीजिए। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस NR डिवाइडेड बाय 100। और ये फार्मूला और कुछ भी नहीं है, जो ओरिजिनल हमारा फार्मूला था सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, उसमें हमने ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला लिख दिया। ट्रू डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, है ना। ऑटोमेटिकली ये फार्मूला मिल गया। अबे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ मेरे को नहीं है क्या? रिस्पॉन्स चाहिए, मेरे को डिस्कशन चाहिए, मेरे को मजा ही नहीं आता उसके सिवा पढ़ाने में। जितना आवाज मेरा है ना, उतना ही आवाज मुझे आपका भी चाहिए, आदित्य ईसाल और सारे बच्चों का भी चाहिए। हाँ तब मेरे को मजा आता पढ़ाने में। हाँ चलो बहुत बढ़िया, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि फिर वो अपने लाइव क्लास का मतलब ही क्या रहेगा? फिर तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे देता हूं आपको, है ना। लाइव क्लास का मतलब तभी बनेगा ना जब आप और मैं दोनों साथ में बातें करेंगे। हाँ चलो बहुत बहुत बढ़िया। आज ये पीयूष पसारी को क्या हो गया? ये बातें क्यों नहीं कर रहा? हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। बैंकर डिस्काउंट नीतीश अग्रवाल। क्या है बैंकर डिस्काउंट का मतलब? इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। सही है गलत है? गौरी बंग, अनुजा मानेकर बोलो ना। बैंकर डिस्काउंट यानी है क्या? इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। हाँ इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू, है ना। इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ यानी क्या निकलते रहता रे? ट्रू डिस्काउंट निकलते रहता। हाँ तो यस यस, तो इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। अच्छा कभी कभार ऐसा अगर लिख दिया फेस वैल्यू के जगह सम ड्यू लिख दिया तो कोई दिक्कत है क्या? इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ क्योंकि जनरली सम ड्यू और फेस वैल्यू सेम टू सेम रहती है। हाँ अब फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये निकल गया हमारा बैंकर डिस्काउंट, है ना। बैंकर ने लिया हुआ ब्याज। सही है गलत है बोलो ना।
हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैंकर ने जो ब्याज लिया वो सही ब्याज लिया या ज्यादा का ब्याज लिया हुआ है? इसका फायदा भी लिया हुआ है, इसने फायदा भी लिया हुआ है ना? हाँ, बैंकर ने बैंकर का गेन भी रखा और जो सही ब्याज था वो सही ब्याज भी लिया। ठीक है, अच्छा बैंकर कितना फायदा लेते रहता जो सही ब्याज है उसके ऊपर का ब्याज, टू डिस्काउंट के ऊपर का इंटरेस्ट, बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन टू डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो रे? आयुष पाटिल, गौरी सिरोया, तनिष्का देशमुख। हाँ, बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन टू डिस्काउंट, बोलो ना हाउ कि नाउ। हाँ अच्छा, यानी बैंकर गेन का फार्मूला क्या हो जाएगा? टू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है ना? बोलो ना गौरी सिरोया, कुशल गगलानी, चिन्मयी है ना, ध्रुवल अग्रवाल, चार्वी दासानी, बोलो हाँ या ना? क्या हो गया? किसी के, अच्छा ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर लिया, सबको म्यूट कर लिया। ठीक है ध्रुवल बेटा, क्या हो गया, बात नहीं कर रहा तू? ए ध्रुवल, हाँ चलो, अब बैंकर गेन का मतलब क्या है आप ही मुझे बताओ। बैंकर गेन का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सही है ना? यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अच्छा ये तो हम लोगों ने बैंकर गेन का एक फार्मूला देखा ही है। बैंकर गेन यानी बैंक का फायदा, यानी बैंकर डिस्काउंट में से सही डिस्काउंट माइनस कर दो, टोटल बैंकर ने जितना ब्याज लिया उसमें से सही मायने का ब्याज माइनस कर दो, इससे भी आपको बैंकर का गेन निकल जाएगा। हाँ या ना निधि राय? हाँ। अरे दिशा मालवीय नहीं दिख रही है? दिशा ताई है क्लास में कि नहीं है? दिशा ताई, हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो बैंकर गेन इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये भी एक फार्मूला है, और बैंकर गेन इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये भी एक फार्मूला है। सही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, 1000 रुपए का बिल था, फेस वैल्यू 1000 रुपए की थी, लेकिन 100 रुपया हमने बैंकर डिस्काउंट का काट के 900 रुपया उसके हाथ में दिया, तो ये 900 रुपया यानी क्या रहेगी? कैश वैल्यू ना, है ना? यानी इसके ऊपर से और एक फार्मूला मिल रहा है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। अरे सही है गलत है बोलो ना? हाँ, कोई दिक्कत आप लोगों को? अबे बोलो हाँ या ना? हाँ, समझा कि नहीं समझा बोलो। हाँ, सारे लोग मेरे साथ में बने हुए हैं ना? हाँ, चलो मोहित तिवारी, दर्शन माहुरकर, सिद्धांत गुप्ता, पार्थ पांडे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी बात हम लोगों ने देख लिया और मेरे ख्याल से सबको समझ भी गया। कल के कंपेयर में, प्रीवियस लेक्चर के कंपेयर में आज थोड़ा सा ज्यादा फैमिलियर लगा होगा। सही है गलत है बोलो रे? स्वयं अग्रवाल, लच्छा कोठारी, रिद्धि भिंड, औतन अग्रवाल, पलक गांधी। अबे बोलो ना हाँ या ना? हाँ, है ना? जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार रिवाइज करेंगे, उतना आपकी पकड़ मजबूत होगी। अच्छा, आप लोग अगर मुझे परमिट करते हो तो क्या मैं आगे का डिस्कशन करूं क्या? हाँ, आप लोग अगर मुझे परमिट करते हो तो मैं थोड़ा सा आगे का डिस्कशन करता हूं, थोड़ा सा टफ है। आपकी तैयारी है ना? खुशी झंवर, अच्छा चलो ठीक है, पहले सॉल्व प्रॉब्लम की डिफिकल्टीज ले लेते हैं ना। मेरे मित्र है, मेरे मैत्रीन है, वो बोल रहे हैं पहले सॉल्व प्रॉब्लम ले लो। चलो ठीक, पहले सॉल्व प्रॉब्लम की डिफिकल्टी को खत्म करते फिर मैं वो कंसेप्ट, क्योंकि वैसे भी वो जो नया वाला कंसेप्ट है ना उसके लिए मेरे को आपके मन की तैयारी ज्यादा जरूरी है ना? मोदी जी मन की बात करते हैं, मैं आपके मन की तैयारी की बात करता हूं। समझ में आया क्या?
हाँ तो क्या रे? नहीं रे, मोदी जी, मोदी जी है, हम उनके पाव के नख के बराबर भी नहीं है। उतना डिसिप्लिन, उतना जिगर, उतनी ताकत अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो सही में यानी इतना डिवोटेड पर्सन सही में मानना पड़ेगा। अपन कहाँ है रे? अपन तो अपने घरदार में ही खुश रहते, वो तो साला सब कुछ छोड़ के अपने आप को डिवोट कर दिया ना कंट्री के लिए। क्या चीज? कौन नाराज हो गया? चलो मित्रों, सॉल्व प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं। बताए रे, सॉल्व प्रॉब्लम में कितने क्वेश्चन है? पेज नंबर फोर पे बताओ कौन सा पेज नंबर टू पे क्वेश्चन नंबर फोर। चलो देख ले। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर वन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर टू में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर थ्री ले रहे हैं हम लोग, सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर थ्री। सारे लोग ध्यान दीजिए, है ना? एग्जाम्पल नंबर थ्री, एग्जाम्पल नंबर थ्री है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर थ्री है ना, पेज नंबर थ्री नहीं, पेज नंबर टू। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर टू। अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एम एजेंट, एक एजेंट के थ्रू घर बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? पूरे 60 लाख रुपए में। ही चार्ज 1% कमीशन फ्रॉम बोथ बायर एंड सेलर, बायर और सेलर से पूरे 1% का कमीशन चार्ज किया। कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन, बताए एजेंट का कमीशन कितना, और कैलकुलेट नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर एंड अमाउंट पेड बाय बायर। चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सारे लोग और सारी लोगिया, हाँ मुझे एक बात बताओ, ये मैं थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करता हूं। इसमें घर बेचते रहते, मान लीजिए मयंक मोटवानी को घर बेचने का है और सिद्धांत गुप्ता को घर खरीदने का है। अरे मैं दिख रहा हूं ना आपको, बराबर बोलो ना, हाँ या ना? ठीक है, मैं एक, हाँ बोलो। हाँ अब मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए मयंक मोटवानी को घर बेचने का है और सिद्धांत गुप्ता को घर खरीदने का है, और मैं हूं ब्रोकर, तो मैं क्या करूंगा? 1% का मेरे को कमीशन लेना है, तो ये 1% का कमीशन मैं सिर्फ मयंक मोटवानी से लूंगा या मैं सिद्धांत गुप्ता से भी 1% का कमीशन लूंगा और मयंक मोटवानी से भी 1% का कमीशन लूंगा, है ना? दोनों से लूंगा ना, हाँ या ना? इतना तो बोलो, है ना? मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का घर बेच रहा है, ऐसी बोल रहा हूं मैं, फेका फाकी कर रहा हूं। 100, मयंक मोटवानी बहुत रईस आदमी है, रईस इंसान है, 100 करोड़ रुपए का घर वो बेच रहा है, तो 1% का कमीशन पूरा 1 लाख, 1 करोड़ रुपया होता है। ठीक है, तो मयंक मोटवानी को है ना कितना रुपया मिलेगा? 100 करोड़ का उसने घर बेचा तो 100 करोड़ उसके हाथ में आए, उसमें से 1 करोड़ रुपया मेरे को कमीशन देगा, तो
तो मयंक मोटवानी के हाथ में कितना रुपया आएगा? 99 करोड़ रुपया, हाँ या ना? ठीक है, अब ये हो गया। सिद्धांत गुप्ता को घर परचेस करने का है ना? कितने में परचेस कर रहा सिद्धांत गुप्ता? 100 करोड़ रुपए में परचेस कर रहा। सिद्धांत गुप्ता के जेब में से कितना रुपया जाएगा? 100 करोड़ रुपया घर के नाम पे जाएगा और 1 करोड़ रुपया कमीशन के नाम पे जाएगा। सही है गलत है? यानी कुल मिला के सिद्धांत गुप्ता के जेब में से 101 करोड़ रुपया जाएगा। सही है गलत है? सही है। हाँ, अब मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं। अरे बोलो ना। हाँ, कौन सा बंदा है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है ताकि मैं उससे चर्चा कर सकूं? हाँ, सूरज नारोलकर। चलो, सूरज नारोलकर को इसमें दिक्कत है। बताओ सूरज, तुम ही बताओ क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर 60 लाख गिवन। बताओ सेलिंग प्राइस काय झालं रे? अरे सब इतना चिल्लाते हैं ना मेरे को, सच्ची मेरे जैसा भला आदमी मिल गया करके ठीक है आपका, कितना डांटते मेरे को सारे के सारे। यहां तो उल्टी गंगा बह रही है ना, टीचर ने डांटना चाहिए बच्चों को तो उल्टा ही है, बच्चे डांटते यहां टीचर को। क्या क्या हाँ, क्या बड़बड़ कर रहे है कुछ समझ में नहीं। अच्छा ऐसा, देखो रे ये अभी भी डांट रहा मेरे को। कलयुग है, स्टैम्प ड्यूटी मोहित, ये कौन है? मोहित है ना स्टैम्प ड्यूटी लिखने वाला? मोहित, हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नाम की कोई चीज है ही नहीं, प्लेन अज्यूम कर रहे है ना, जैसा जितना क्वेश्चन में दिया हम उतना, यानी आसान करने के लिए ऐसा अज्यूम कर ले रहे कि स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, सही में कलयुग है भाई, मैं भले आदमी का तो जमाना ही नहीं है, मेरे जैसे भले आदमी ने तो सही में हा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊ क्या बोलो ना? हाँ अच्छा, अब आप बताओ 60 लाख रुपीस का है क्या घर, हाँ या ना? सेलिंग प्राइस 60 लाख है क्या, हाँ या ना? है ना, तो अब सेलिंग प्राइस है, कमीशन रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन अबे बोलो रे कितना है? 1% का है क्या, हाँ या ना? है ना। अच्छा ये रेट ऑफ कमीशन बायर को भी लगने वाला है और सेलर को भी लगने वाला है, सही है गलत है? सही है। देयरफॉर एजेंट्स कमीशन फ्रॉम बायर, एजेंट्स कमीशन फ्रॉम बायर 60 लाख इंटू 1% इज इक्वल्स टू रुपीज 6 लाख, है ना? मैं थोड़ा बराबर लिख देता हूं यहां, 60 लाख आठ हजार आएगा क्या? सही बात है, मैं देख रहा था आप लोगों का ध्यान है या नहीं है। हा मैं बहुत ध्यान रखता हूं आप लोगों के ऊपर, है ना? हाँ ये बोला भाई, पहले बार अच्छी बात बोला कुछ ना कुछ। ये एजेंट्स कमीशन फ्रॉम बायर हो गया, वैसा ही एजेंट्स कमीशन फ्रॉम सेलर। बताओ रे एजेंट का कमीशन सेलर से
कितना हो जाएगा, बराबर है कि गलत है? देखो मैं कितने फास्ट लिख लेता हूं ना, है ना, बहुत ही रैपिड स्पीड में लिखता हूं ना मैं। हाँ अब बात बताओ, अब लिखते हैं हम लोग, हमको क्या निकालने, कैलकुलेट नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर एंड अमाउंट पेड बाय बायर। देयरफॉर नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सेलर को कितना रुपया मिलेगा, है ना, 60 लाख रुपया उसको मिलेगा, लेकिन उसमें से 60,000 रुपए का वो कमीशन देगा, तो नेट अमाउंट बताओ रे कितना हो जाएगा, 59,40,000। सही है गलत है, है ना। अब दूसरी बात, अमाउंट पेड बाय बायर, बायर कितना पैसा देगा, 60 लाख रुपए का वो क्या करेगा, घर परचेस करेगा, और 60,000 रुपया वो कमीशन का देगा, यानी कुल मिला के 60,60,000। सही है गलत है, है ना। आखिरी में मैं एक प्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन में लिख देता हूं, देयरफॉर क्या बोला, अमाउंट और क्या निकालना है भाई, इतना ही निकालना है ना, अच्छा एजेंट का टोटल कमीशन निकालना है, ओके। देयरफॉर एजेंट्स टोटल कमीशन, एजेंट का टोटल कमीशन 60,000 प्लस 60,000 यानी 1,20,000। सही है गलत है बोलो, 100% सही है, 100% शत प्रतिशत सही है, है ना। यही है हमारा आंसर, एक लाइन में लिख देते हैं, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर इज ऑफ रुपीज 59,40,000, अमाउंट पेड बाय बायर इज ऑफ रुपीज 60,60,000। एंड आगे बोलो रे, अमाउंट ऑफ कमीशन, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन, टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट इज ऑफ, है ना, इज रुपीज 1,20,000। किस्सा खत्म, ठीक है, लिख लिया सारे लोगों ने, हाउ की नाउ। हाँ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत है क्या? ओके केस 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 ओके, यानी आज अभी तो हमारा वो शुरू नहीं होगा, इसका मतलब। हाँ बोलो, हाँ ले सकता है ना भाई, जरूर ले सकता है, हाँ बिल्कुल ले सकता है, अपने मन से, उसके मन को भाया वो कुत्ता काट के खाया, सिर्फ वो बायर एग्री रहना चाहिए पे करने के लिए और वो सेलर भी एग्री रहना चाहिए पे करने के लिए, है ना, इट इज टोटली, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनका आपस में, ठीक है। यहां हमको क्वेश्चन है, लेकिन जनरली एक बात बताओ क्या, जो महंगे घर रहते, बड़ी अमाउंट रहती, उसमें 1% का ही कमीशन रहता, हाँ
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया किस्सा खत्म। एग्जाम्पल नंबर थ्री के बाद में आगे बढ़े क्या रे? हाँ चलो, एग्जाम्पल नंबर थ्री के बाद में एग्जाम्पल नंबर फोर का डिस्कशन करते, पेज नंबर टू ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ठीक है, पेज नंबर टू ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गेट फिक्स्ड मंथली सैलरी प्लस कमीशन। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसको मंथली फिक्स सैलरी भी मिल रही है और कमीशन भी मिल रहा है बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन सेल्स, सेल्स के बेसिस पे इन टू सक्सेसिव मंथ, है ना, दो सक्सेसिव मंथ में उसको जो पैसा मिला 23,500 और 24,250 ऑन सेल्स ऑफ रुपीज 70,000 एंड 85,000 रिस्पेक्टिवली, बताओ उसकी मंथली सैलरी कितनी है और रेट ऑफ कमीशन कितना है? ये क्वेश्चन काय के बेसिस पे है आप ही लोग बताओ, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे है क्या, हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो ये मेरे को वृद्धि ताई ने मैसेज भेजा है एग्जाम्पल नंबर सिक्स पेज नंबर थ्री। चलो ठीक है ना वृद्धि ताई, वो भी ले लेंगे, पहले ये होने दो चौथे नंबर का, उसके बाद में वो भी ले लेंगे वृद्धि ताई, ठीक है। पेज नंबर दो का, हाँ तो ये उसी के ऊपर बेसिस है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। चलो देख लेते हैं, गिवन मुझे इतना बोला हुआ है, गिवन भी नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करता हूं इसमें। सपोज यहां पे लेटेस्ट अज्यूम फिक्स्ड सैलरी इज रुपीज एक्स एंड रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स इज वाई परसेंट। मैंने क्या बड़बड़ किया, समझा क्या, हाँ या ना? अरे बोलो ना सारे लोग, आपको पता है मुझे जवाब चाहिए, मुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हाँ, फिक्स सैलरी एक्स है और कमीशन का रेट वाई परसेंट है, सही है ना, बोलो ना, ठीक है। अब मुझे आप ही लोग बताओ, एक सर्टन मंथ में सेल्स कितना था, सेल्स इन फर्स्ट मंथ इज इक्वल्स टू रुपीज, कितना सेल्स था रे पहले महीने में, 70,000, हाँ, और उसके बाद में टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कितना पैसा मिला रे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पहले महीने में, 23,500। अबे बोलो ना, हाँ या ना? दिव्या कोष्टी, जिया राजा, मोहित पालीवाल, जयेश अगदाते, कोई जवाब नहीं देता, सुजल रोडगे, होशी कोटक, होशी ताई मेरे से कोई नाराजी है तेरी, कभी जवाब नहीं देती तू मेरे को, मेरे से कोई नाराजी है क्या तेरी, कभी जवाब नहीं देती, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा हाँ,
अब जवाब नहीं दिया ना ताई तो तेरे घर पे आके तेरे को पीट के जाऊंगा मैं, ठीक है ना। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले महीने का सेल 70,000 रुपया है और पहले महीने का जो टोटल अमाउंट मिला हुआ है वो 23,500 मिला हुआ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70,000 इज इक्वल्स टू 23,500। कोई दिक्कत है क्या किसी को, है ना। चलो अब दूसरा डिस्कशन करते, सेल्स इन सेकेंड मंथ, दूसरे महीने का सेल्स बताओ रे कितना है, 85,000 हाँ तो अब आप ही बताओ टोटल पैसा कितना मिला था उसको, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हाँ कितना मिला बोलो ना, 24,250, ठीक है। देखो मैंने कितने फास्ट लिख लिया है ना, बहुत अंगार स्पीड में लिखा ना, बोलो ना। हाँ अच्छा मुझे अब बात बताओ ये सेकंड महीने का इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस y डिवाइडेड बाय 100 इंटू 85,000 इज इक्वल टू 24,250, सही है गलत है बोलो ना। हाँ अब देयरफोर अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, क्या लिखता हूं इसमें ध्यान दीजिए, देयरफोर एक्स प्लस ये यहां पे 20 खत्म, ये 20 खत्म, यानी ये क्या आ जाएगा 700y इज इक्वल टू 23,500 और यहां पे भी 20 खत्म, 20 खत्म, यानी x प्लस 850y इज इक्वल टू 24,250, ठीक है। ये हम लोग साइन चेंज कर देते, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस x माइनस x कैंसल। बताओ रे होशिताई बता, 700 में से 850 गया तो माइनस 150y इज इक्वल टू कितना आएगा होशिताई, माइनस 750। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। देयरफॉर इक्वेशन वन इंप्लाइज, क्या था इक्वेशन वन, x प्लस वायु परसेंट ऑफ 70,000, वायु परसेंट ऑफ 70,000 इज इक्वल टू 23,500, सही है। देयरफॉर x प्लस वायु डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70,000 इज इक्वल टू 23,500, 20 खत्म, 20 खत्म। देयरफॉर x इज इक्वल टू 23,500 माइनस 7535 है ना, x इज इक्वल टू 20,000, सही है गलत है। हाँ अब हमको क्या निकालने के लिए बोला था, मंथली सैलरी। देयरफॉर मंथली सैलरी ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मंथली सैलरी ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 20,000, सही है ना। एंड अबे बोलो ना बे, एंड रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, रेट ऑफ कमीशन ऑन सेल्स इज इक्वल टू 5%, किस्सा खत्म। हेच आमचं उत्तर,
आया क्या समझ में? हाँ चलो ये हो गया। पांचवें नंबर के क्वेश्चन में डाउट है क्या? अबे बोलो ना। नहीं, एक एग्जाम्पल नंबर सिक्स, छठवें नंबर का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सारे लोग। छठवें नंबर का एग्जाम्पल पेज नंबर, टाइम होने दो, अभी पांच मिनट का वेट करो, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। पेज नंबर थ्री ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, पेज नंबर थ्री ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सारे लोग ध्यान दीजिए। बताए रे मुझे, सेल्समैन को कमीशन मिल रहा है 8% ऑन टोटल सेल्स, तो मुझे इतना पता है गिवन में क्या लिखूं मैं, रेट ऑफ कमीशन। अबे बोलो ना, 8% दिख रहा है ना आपको बराबर, है ना 8% का। इफ हिज सेल्स एक्सीड्स 20,000, अगर उसका सेल्स 20,000 से ज्यादा है, ही रिसीव्स एडिशनल कमीशन एट 2% ऑन सेल्स ओवर 20,000। अच्छा, एडिशनल कमीशन कितना मिल रहा है, रेट ऑफ एडिशनल कमीशन, रेट ऑफ एडिशनल कमीशन ओवर, है ना, फॉर सेल्स ओवर 20,000, फॉर ओवर रुपीज 20,000, 2% का एडिशनल कमीशन मिल रहा है। अगर उसको 7,600 अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल्समैन, टोटल अमाउंट received by salesman rupees कितना रे बोलो ना, 7,600 ना, है ना। तो अब आपको निकालने का है टोटल सेल्स। अज्यूम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टोटल सेल्स वृद्धि पाई, आप ही बताओ टोटल सेल्स एक्स का अज्यूम करूं कि नहीं करूं, बोलो ना हाँ या ना वृद्धि ताई, ठीक है। देयरफोर नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन कितना मिलेगा ताई, 8/100 इंटू एक्स, सही है गलत है बोलो वृद्धि ताई, नॉर्मल चाहिए था, नॉर्मल लिख दिया मैंने, नॉर्मल कमीशन, एडिशनल कमीशन रुद्धिताई आप ही को बताने का है, एडिशनल कमीशन फॉर सेल्स ओवर 20,000, 20,000 रुपए से ज्यादा के सेल्स के लिए, टोटल सेल्स एक्स है, इसमें से 20,000 रुपया माइनस कर रहा हूं और इसके ऊपर एडिशनल कमीशन लगा रहा हूं। वृद्धिताई ये सेकंड इक्वेशन समझा कि नहीं समझा, ना सिर्फ वृद्धिताई मैं सारे लोगों को पूछ रहा हूं, ये सेकंड इक्वेशन समझा कि नहीं समझा। दिशाताई, खतरनाक खत्री, कार्तिक जैन, आयुष होलानी, वेदांत पाटिल, नहीं समझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए उस बंदे का 1,00,000 रुपए का सेल हुआ है, मान लीजिए 1,00,000 रुपए का सेल किया उसने, है ना, क्या है क्या है क्या नहीं है नहीं मालूम, हम अंदाजे से बोल रहे हैं 1,00,000 रुपए का सेल्स हुआ है, तो नॉर्मल कमीशन उसको 1,00,000 रुपए के ऊपर मिलेगा हाँ या ना, अरे बोलो ना, जिसको भी नहीं ध्यान में आ रहा मेरे को जवाब दीजिए, नॉर्मल कमीशन 1,00,000 रुपए के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, और एडिशनल कमीशन उसको 1,00,000 रुपए के ऊपर मिलेगा या 80,000 रुपए के ऊपर मिलेगा, 80, कैसे निकाला आपने 80,000,
एक लाख में से 20,000 माइनस किया और उसके ऊपर 2% लगाया, हाँ या ना? है ना? अब मुझे उसका सेल 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम, करके मैंने एक्स माइनस 20,000 लिखा। अरे सही है ना? हमको जब मालूम था कि 1 लाख का सेल्स है तो 1 लाख माइनस 20,000 यानी 80,000 किया था, है ना? 80,000 पे 2%। अब हमको मालूम ही नहीं है उसका सेल्स कितना, तो हमने एक्स में से 20,000 माइनस कर दिया और उस पर 2% का कमीशन लगा रहे। अबे समझा कि नहीं समझा, बोलो ना, है ना? हाँ वृद्धि ताई समझा क्या? और यह जिसको भी नहीं समझा था वो बोलो मुझे। हाँ चलो, तो अब आप ही मुझे बताओ, नॉर्मल कमीशन, यहां अलग इससे लिखता हूं मैं, नॉर्मल कमीशन प्लस एडिशनल कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल कमीशन। ठीक है, नॉर्मल कमीशन प्लस एडिशनल कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल कमीशन। नॉर्मल कमीशन है मेरा 8x/100, एडिशनल कमीशन है मेरा 2x/100 माइनस 40,000/100 इज इक्वल्स टू, ये सही है ना? डायरेक्टली किया मैंने, समझा कि नहीं समझा बोलो रे। और उसको टोटल अमाउंट जो मिला है 7,600 का मिला है, है ना? करो सॉल्व, दे दान तो छूटे ग्रान, है ना? 8x+2x यानी 10x/100 माइनस, ये दो जीरो खत्म, दो जीरो खत्म, यानी -400 इज इक्वल्स टू 7,600। ठीक है, ये यहां पे एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म। अब आप ही बताओ मुझे, x/10 इज इक्वल्स टू 7,600, ये -400 उधर गया तो +400 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, x/10 इज इक्वल्स टू 8,000, सही है गलत है? x इज इक्वल्स टू 80,000, सही है गलत है बोलो रे। अब x यानी क्या है? टोटल सेल्स, देयरफोर टोटल सेल्स ऑफ एजेंट इज ₹80,000, यही है हमारा आंसर। समझा कि नहीं समझा वृद्धि ताई? कर लो कि नहीं कर लो सांगा। हाँ क्या हाँ नहीं 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 ताई, ऐसा नहीं है। 8% कमीशन ऑन टोटल सेल्स बराबर है, 2% उसमें इंक्लूड नहीं है। 8% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, ये 8% का कमीशन नॉर्मल कमीशन है ना ताई, ये नॉर्मल वाला कमीशन है। देखो हमने लिखा भी, नॉर्मल कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे, एक्स यानी टोटल सेल्स पे 8% है, 2% उसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो तो और एडिशनल कमीशन है वृद्धि ताई, है ना? तो नॉर्मल कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे 8% है, और एडिशनल कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे नहीं है, टोटल सेल्स में से 20,000 माइनस कर दो उस पे 2% का एडिशनल कमीशन है, है ना? चलो, और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अच्छा एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, देख लीजिए ताई। ठीक है हाँ चलो, अब जिसका हो गया वो लेफ्ट कर सकते हैं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। टाटा बाय बाय, सी यू।